ज्ञान सागर किसको कहा जाता है? जो निराकार है, निराकार है माने सिर्फ बिंदु है, हमेशा बिंदु रहता है क्या? शरीर में तो आता है, लेकिन शरीर में आने के बावजूद भी, मुकर्रर रथ में आने के बावजूद भी, पतित तन में आने के बावजूद भी, और पतित से पतित दुनिया में आने के बावजूद भी, रूहानियत की स्टेज में रहता है, निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहता है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा है। तो बच्चे भी नंबरवार ज्ञान के सागर बनेंगे या नहीं बनेंगे? कौन कौन से सागर प्रसिद्ध हैं? सागर तो एक ही है, लेकिन फिर और भी सागर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं महासागर के रूप में। कितने सागर हैं? हैं? सात सागर बताए जाते। तो सात सागर हैं, तो नंबरवार ज्ञान को धारण करने वाले भी होंगे जरूर। जैसे प्रशांत महासागर कैसा है? आदि से अंत तक शांत रहता है बहुत बड़ा। फिर उसके मुकाबले अंध महासागर, क्या जहां बड़ा मूला ट्रेंगिल है, जो भी बड़े छोटे जहाज जाते हैं वहां से गुजरते हैं, वो उनको डुबो देता है। फिर और भी है, हिंद महासागर, अरब सागर, और फिर उत्तरी महासागर, जैसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। है तो सागर लेकिन बर्फ जमी रहती है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी महासागर। तो जैसे स्थूल महासागर हैं, वो किसकी यादगार है? जरूर कोई चैतन्य आत्माएं हैं जिन्होंने इतना ध्यान ज्ञान को धारण किया है, तो महासागर के रूप में गायी हुई है। लेकिन उन सागरों में से भी सबसे बड़ा एक ही सागर गाया हुआ है, जिसको कहते हैं ज्ञान सागर। इस परमात्मा सुप्रीम सोल में ही वो सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान किस में है? परमात्मा या सुप्रीम सोल में। क्या कहा जाता है? परमपिता परमात्मा, या परमात्मा परमपिता कहा जाता है? परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों? परमपिता बड़े। परमपिता वो पिता जो सब मनुष्यात्माओं के पिता का भी पिता है, और जिसका कोई कोई पिता नहीं। परमात्मा आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी, इसमें मुकर्रर रूप से वो परम पिता प्रवेश करके पार्ट बजाता है। उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। फिर दोनों आत्माओं में से किस में सारा ज्ञान समाया हुआ है? एवरलास्टिंग, आदि से अंत तक सदैव किस में समाया हुआ है? परम पिता में सदैव समाया हुआ है। उसको कहते हैं सदा शिव। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है,
मेरी बिंदी का नाम शिव है, उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। विस्तार को पाता है तो सागर हो जाता है, सूर्य बन जाता है, ज्ञान सूर्य। कैसे विस्तार को पाता है? क्या बिंदु रूप में रह करके विस्तार को पाता है? जरूर कोई शरीर में प्रवेश करता है। संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं, चाहे वो शरीरदारी की आत्मा हो और चाहे वो सुप्रीम सोल हो। सुप्रीम सोल में जो ज्ञान के संस्कार हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के अंदर वो ज्ञान के संस्कार सदा काल के लिए नहीं हो सकते, इसलिए उसको कहते हैं सदा शिव। क्या शिव माना? कल्याणकारी। वो सदैव कल्याणकारी है, कोई उसकी एक सेकंड भी ऐसी नहीं। 5000 वर्ष के ड्रामा में आता भी है तो भी जिस सेकंड में वो किसी का कल्याण चाहता हो, और बाकी दूसरी आत्मा चाहे वो हीरो पार्टधारी ही क्यों ना हो, नंबरवार कल्याणकारी है या नहीं है? नंबरवार सब कल्याणकारी। इसलिए जो एक सेकंड भी अगर किसी का कल्याण चाहता है तो शिव समान पार्टधारी नहीं हुआ। बाप समान तब कहा जाएगा जब एक सेकंड भी किसी आत्मा के प्रति मन के अंदर मैल न रहे। हीरो पाठधारी भी तभी बन सकता है, चाहे कोई कितना भी विरोधाभास करने वाला सामने आ जाए, लेकिन उसके प्रति भी कौन सी भावना? कल्याणकारी भावना। तब कहा जाता है शिव शंकर एक है। 33 करोड़ देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ शिव का नाम मिलाया गया हो। जिस आत्मा के साथ शिव के नाम को मिलाकर एक आकार कर दिया हो, एक ही आत्मा ऐसी है जो कुछ समय के लिए बाप समान स्टेज को धारण कर लेती है। इसलिए शिव शंकर को मिला के भक्ति मार्ग में एक कर देते। इस बात को रूहानी बच्चे समझते हैं, जो जिस्मानी बच्चे हैं वो समझते नहीं है, यूं ही सुन लेते हैं और दूसरों को सुना